उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले फिरोजाबाद को बहुत बड़ा तोहफा मिला है, जहां 1,80,00,000 की लागत से एक पार्क बनाया गया, जिस पार्क का नाम अटल बिहारी पार्क रखा गया है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है। इसको लेकर इस पार्क में 20 क्विंटल की पंच धातु की प्रतिमा मंगाकर लगवाई गई, जिसकी कीमत 25,00,000 रुपए है। इस मूर्ति का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर लोकार्पण किया जाएगा। लोकार्पण केंद्र राज्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे, जो कि 25 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे फिरोजाबाद पहुंचेंगे। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक मनीष सिसोदिया द्वारा दी गई। वहीं इस कार्यक्रम में शहर की जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और लोग उपस्थित रहेंगे। कल पूज्य अटल जी की ये 12.5 फुट की जो भव्य प्रतिमा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार से संस्कृति विभाग से हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसके प्रस्तावक के रूप में मैंने लगातार इसको सही समय पर लाने में सफलता प्राप्त करी है। हम सबका सौभाग्य है कि भारत सरकार के केंद्रीय संसदीय मंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह मेघवाल साहब फिरोजाबाद में हैं उपस्थित। मेरी उनसे फ़ोन पर वार्ता हुई, मैंने उनसे प्रार्थना करी कि पूज्य अटल जी के जन्म दिवस पर उनकी भव्य प्रतिमा, जो 2,00,000 वर्ग फुट के विशाल पर क्षेत्र, जो विशाल अटल पार्क के नाम से हम लोगों ने इसको डेवलप किया है, इस प्रतिमा को कल लोकार्पण के लिए उनसे मैंने सहमति मांगी और उन्होंने शहर से सहमति दी है। कल सुबह 9:30 बजे यहाँ पर केंद्रीय संसदीय मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी यहाँ पर इस प्रतिमा के अनावरण में रहेंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और अन्य सभी जनप्रतिनिधि भी इसमें उपस्थित रहेंगे। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड।